हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और मेरा तो आपको पता ही है, ये आप एक ग्लोबैक्स कंपनी की विंग स्केल देख रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें बैटरी ज़्यादा नहीं चल रही, ये कंप्लेंट है। तो उसके लिए मैं इसको आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। ऑन करेंगे तो ये कार्ड में सॉफ्टवेयर है कि बैटरी के वोल्टेज दिखाएगा। बैटरी के वोल्टेज है 4.8 कुछ करके। तो चलिए खोल लेते हैं फिर। और मेंस मैं आपको एक बार दिखाऊं, ये यहाँ पे मेंस इसमें आ गई है। तो फिर बैटरी क्यों नहीं हमारी ज़्यादा चलती, उसके लिए खोलते हैं। ये नीचे से स्क्रू मैंने खोल लिए हैं, अभी मैं ऊपर का ये हटा देता हूँ। इस तरीके से कुछ ये है। 4 वोल्ट की बैटरी है, 2.5 Ah में ट्रांसफार्मर है। ये कार्ड SMD कार्ड है। मैंने आपको पहले भी एक दो वीडियो SMD वाली दिखाई थी, जिसमें लेकिन FMD जो थी हमारी डिस्प्ले वो उसी में ही थी, और वो लंबाई में कार्ड था, ये चकोर में है। SMD है सभी चीज़ें, रिपेयर करना भी आसानी है, कोई ऐसा इशू नहीं, सभी चीज़ें वही है। तो अभी इसमें बैटरी का जो कारण है क्या है, एक बार मल्टीमीटर लेते हैं, बैटरी के वोल्टेज चेक करते हैं क्या बैटरी के वोल्टेज है। जो कार्ड ने बताई है वही है सॉफ्टवेयर की, या कुछ अंतर है? तो हाँ, उसी के आसपास है, ठीक है। अच्छा, अभी क्या करेंगे, इसको मेंस और देते हैं। मेंस देने पे ये हमारी जो बैटरी की वोल्टेज थी वो इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। तो मेंस दे दी, मैं आपको दिखा दूँ, मेंस दी है, ये आप देखिए, मेंस इसको दे दी है, ठीक है। अभी हम इसकी जो वोल्टेज है वो देखते हैं, डिक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है, क्या हुआ है? इंक्रीज होनी चाहिए, हाँ इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो ये हुआ। अभी एक काम और करते हैं, इसका इससे तो हमें ये पता चल गया कि हमारा चार्जर सही है। अगर हमारी बैटरी की वोल्टेज जो है इंक्रीज ना होती, तो फिर हमें यहाँ पे चेक करना था कि कारण क्या है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है जो बैटरी की नॉमिनल वोल्टेज है उसका 1.5 गुना हमें चार्जिंग के लिए वोल्टेज चाहिए, तो वो हमें मिल रही है, तो हमारा चार्जर ठीक है। अभी एक चीज़ और कर लेते हैं, ये तो मैंने वोल्टेज चेक करी है, तो मुझे मल्टीमीटर को समांतर क्रम में लगाना पड़ा, ठीक है, यानी कि पैरेलल में। अभी मुझे इसका एक बार एम्पियर और चेक करनी है कि वोल्टेज तो आ रही है, लेकिन क्या बैटरी में एम्पियर भी है इसमें, ये जो चार्ज हो रही है कितने एम्पियर से हो रही है। तो उसके लिए आपको पता ही होगा सीरीज में मीटर को लेना पड़ता है, तो मैं सीरीज में मीटर को कर लेता हूँ। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से वायर हटाना पड़ेगा, कोशिश करनी चाहिए प्लस की, लेकिन प्लस इसका नीचे आ रहा है, बैटरी शॉर्ट ना हो जाए वायर को हटाने में। तो ये मैंने इस तरीके से लिया है। अभी आप देखेंगे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको लगा लेता हूँ, और ये बैटरी के यहाँ पे जो माइनस है उस पर लगा दिया है। आप देख रहे हैं 0.23 एम्पियर से चार्ज हो रही है, यानी कि एम्पियर भी है, ठीक है। तो अभी ज़्यादा एम्पियर इसलिए नहीं ले रही क्योंकि ये 4.8 के आसपास बैटरी है। अच्छा, लेकिन जो कंप्लेंट है वो ये है कि इसका बैकअप ज़्यादा नहीं रहता। तो हमने वोल्टेज चेक कर ली, और ये हमें करना होता है, तभी तो हमें पता चलेगा बैटरी हमारी चार्ज हो रही है। अगर हमने खाली बस ये देख लिया कि वोल्टेज आ रही है, लेकिन एम्पियर, बिना एम्पियर के वो चार्ज कैसे होगी, तो वो भी ज़रूरी है, वो मैंने आपको दिखा दिया। अभी एक चीज़ और करते हैं, एक चीज़ और करते हैं साथ ही साथ, बिना बैटरी में कनेक्ट करे जो हमारा चार्जर पे से आ रही है उसकी वोल्टेज देखते हैं एक बार। ये 7.58, ये तो नहीं होनी चाहिए इतनी ज़्यादा। अच्छा चलो, एक बार इसको लगा देते हैं यहाँ पे,
और ये देखते हैं कि इसमें रेगुलेटेड आईसी 7805 नहीं है, फिर इसका मतलब इसमें रेगुलेटेड आईसी 7805 नहीं है जो वोल्टेज हमें बता रही है। तो उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ खुद देखने की और आपको भी दिखाने की। तो आप देख रहे हैं ये 7808 लगा है, ये 7808 है, 5 नहीं है। तो अगर 7808 लगा है तो फिर हमारी बैटरी यहाँ पे होने चाहिए थे 6 वोल्ट की, जो यहाँ पे गलत लगी है कैलकुलेशन के हिसाब से। क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि ये बैटरी बिल्कुल कागज़ की बनी है, और ऐसा नहीं है ये कार्ड भी जो है बिल्कुल कागज़ का बना है। हो सकता है हो जाएगा काम, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन अपने आप में मायने रखती है। किसी भी चीज़ के लिए जो पर्टिकुलर एक हमें वोल्टेज एम्पियर जो भी चीज़ें हैं वो हमें चाहिए, वो हमें मिलनी चाहिए और हमें देनी चाहिए, ठीक है। तो ये अगर इस तरीके से डिजाइनिंग की बात करें तो ये जो कैलकुलेशन है वो बिगड़ी हुई है। यहाँ पे 7808 है तो उसके हिसाब से यहाँ पे बैटरी 6 वोल्ट की होनी थी, और अगर यहाँ पे बैटरी 4 वोल्ट की है तो फिर यहाँ पे 7805 रेगुलेटेड आईसी होनी थी। तो ये भी कोई बड़ा रीज़न हो सकता है, हो सकता है इसको बैटरी को ज़्यादा वोल्टेज दी गई हो जिस वजह से ये बैटरी जल्दी ख़राब हो गई हो, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं माना जा सकता क्योंकि ये सभी इस तरीके से बिल्कुल जो है कागज़ की नहीं बनी होती, सभी में कुछ ना कुछ इफिशियंसी होती ही है। तो ऐसा मान भी सकते हैं और नहीं भी, है ना। लेकिन फाइनली जो एक बात की जाए तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से ये गलत है। जो हम इस वेइंग स्केल के निष्कर्ष पर अगर हम पहुँचें तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से ये जो चीज़ें लगी हुई हैं ये गलत हैं, ये ऐसे नहीं लगनी चाहिए थी। तो इसको अभी तो बंद कर देते हैं, अभी हमें एक चीज़ मिल गई है। बंद कर देने के बाद एक बार मैं आपको इसके प्रोग्राम थोड़ा सा बता देता हूँ। एंटर, अच्छा हेल्प एंटर वाला है, ठीक है। तो ये इस बार जो इसमें ये कार्ड लगा है उसके सेम प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम पे मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी है, तो इस पे ज़्यादा समय खराब करना तो सही नहीं है, क्योंकि सेम जो ये फीचर है इसमें इस कार्ड में उस पे मैंने कैलिब्रेशन की भी और प्रोग्रामिंग की काफ़ी वीडियो बना रखी है। आप देख सकते हैं कैलिब्रेशन भी इसकी ईजी है, कोई इसमें ऐसा वो नहीं है। तो अभी फिलहाल इसका जो निष्कर्ष हुआ वो ये हुआ कि इसकी कैलकुलेशन बिगड़ी हुई है कार्ड की, और जो बैटरी की जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो मिसमैच है, तो ये इसका एक रीज़न हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।